नमस्कार, मैं हूं अनीशा दीक्षित और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज नेटवर्क। एशिया कप के पांचवें मैच में बुधवार को भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। ये गेंदें शेष रहते भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी जीत है। भारत ने 163 रन के लक्ष्य को 29 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। एशिया कप में ये दूसरी बार है कि जब भारत ने लगातार 2 दिनों में पहले हांगकांग और फिर पाकिस्तान को हराया। 2018 में भारत ने 25 जून को हांगकांग को 256 रन और 26 जून को पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था। भारतीय टीम लगातार 2 दिन मैच खेलने के बाद सिर्फ 1 दिन ही आराम कर सकेगी। सुपर 4 में 21 सितंबर को उसका मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके बाद भारत 23 सितंबर को पाकिस्तान और 25 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। आपको बता दें, मैच के दौरान टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर आई जब 18वें ओवर की 5वीं गेंद करते समय हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए। उन्हें स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया। BCCI ने ट्वीट कर कहा, उनके कमर के निचले हिस्से में चोट लगी है। और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टॉप न्यूज नेटवर्क्स को। थैंक यू।